24 में आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों पर। चार धाम यात्रा में पहुंचे 24,60,000 से अधिक तीर्थ यात्री। उत्तराखंड में इन दिनों चार धाम यात्रा अपने चरम पर है। चारों धामों में दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्री भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की ओर से तीर्थ यात्रियों को हर संभव बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के प्रयास किए गए हैं। तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य पर विशेष फोकस रखा गया है। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर पेयजल की पर्याप्त सुविधा और यात्रियों के ठहरने और खाने पीने को लेकर प्रबंध किए गए हैं। सभी धामों में तीर्थ यात्रियों को दर्शन करने में किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं हो रही है। अब तक चारों धामों में 24,60,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं। मॉनसून सीजन के दौरान तीर्थ यात्रियों को हर संभव सुविधा मुहैया कराने और सभी समस्याओं से निपटने के लिए भी आपदा प्रबंधन विभाग और पर्यटन विभाग ने आपस में समन्वय बनाकर सभी जिलों को SOP भेजा है। श्रद्धा का कारण जो देव डोलिया वगैरह लेके जाते हैं, तो वहाँ पे शुरू के 3 या 4 दिन हमारे यहाँ चारों धामों में काफ़ी भीड़ रही। उसके बाद हमने जब यात्रा को स्ट्रीमलाइन किया है, होल्डिंग पॉइंट्स बनाए, जो रजिस्ट्रेशन जो कंपलसरी था उसको ग्राउंड लेवल पे उसको एनफोर्स किया गया, और उसके ऑलरेडी डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है इस संदर्भ में उन्होंने एक बार मॉक ड्रिल अपनी कर लिया है, और जो SOPs है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SSP को भेज दिया है, और इसके SOP के अंतर्गत जो भी कार्रवाई हर विभाग को करनी है उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। अभी तक चारों धामों में जो यात्रियों ने दर्शन किए हैं उनकी संख्या, और हेमकुंड साहब जो 25 में से शुरू है उनकी संख्या सब मिला के 24,60,000 यात्रियों ने दर्शन कर लिए। देश की अपने प्रदेश की ताज़ा खबरें देखने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ 24।